कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आ रही है तो पहला पॉइंट ये उठता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, जैसे मैंने बोला HCl या मैंने बोला H2। यहाँ पर देखा हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। H2 में यदि हम बात करें तो दो हाइड्रोजन है, तो लास्ट क्लास में डिस्कशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन करना। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट टॉपिक होता है और केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट टॉपिक होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमें बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी और बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टीज में आईई या ईए काम नहीं आता, कौन काम में आता, ईएन। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons. The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons. Tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. Tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded molecule. Tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded molecule. ठीक है, अभी जो पॉइंट आपको लिखाया गया बेटा, इसका मीनिंग ये है कि पहली बात तो यहां पर बॉन्ड के ऊपर फोकस करें तो हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर मेनली हमें दो टाइप के बॉन्ड्स पढ़ने होते हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 70% ऑफ द चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग का होगा वहां पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना होता है और 30% जो अदर बॉन्ड्स होते हैं वो पढ़ना होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का आएगा। अब अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात करें तो याद करिएगा हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में डिस्कशन किया था, जो बालिका सीता गीता वाला जो ट्रेंड था, है ना, ये जो स्पीशीज है सपोज ये मेटलॉइड है तो इधर कौन है मेटल, इधर कौन है सेमी मेटल और इधर कौन है बेटा नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड का, और जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड का, ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आ रही है तो पहला पॉइंट ये उठता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, जैसे मैंने बोला HCl या मैंने बोला H2। यहां पर देखा हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। H2 में यदि हम बात करें तो दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और दूसरा हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल या नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनने वाला बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, कोवेलेंट। ठीक, दूसरी बात क्यों नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, पहले भी बता चुका हूं, जब मेटल नॉन मेटल कंबाइन होगा तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है तो कैटायन बना लेगा, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की तो एनायन बनाएगा, और कैटायन एनायन आमने सामने आएंगे तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब दो नॉन मेटल की बात होगी तो नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, लूज करने की नहीं होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ये भी गेन करना चाहेगा, दोनों में से कोई लूज करना नहीं चाहता। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा तो फिर गेन कौन कैसे करेगा, तो इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई तैयार नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहते, और इसीलिए दोनों एक म्यूचुअल कंसेंट पे आते हैं कि हम लोग शेयर करके अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट या स्टेबिलिटी जो भी है या आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट करते हैं, और इसीलिए शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का ये लोग फॉर्मेशन करते हैं। अब जब HCl की कहानी देखते तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। ठीक है, H2 की बात करें हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता, लेकिन खुद का ऑक्टेट डुप्लेट सब कुछ खराब हो जाता, और इसी तरह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता तो इसका डुप्लेट तो पूरा हो जाता लेकिन इसका ऑक्टेट बिगड़ जाता, तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद का स्टेबिलिटी खराब हो जाएगा, दूसरे को स्टेबल करके खुद अनस्टेबल होने का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने शेयरिंग की बात करी कि भाई मुझे भी डुप्लेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुझे भी ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपन शेयर कर लेते हैं। शेयर करने की शर्त यह रहेगी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों के बिल्कुल सेंटर में रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों का उस पर उतना ही अप्रोच रहना चाहिए या दोनों में उतना ही काउंट होना चाहिए। सेम यहां पर भी ये दोनों एकदम मिडिल में रखते हैं। अब जब बॉन्ड बनना था तो बॉन्ड बनाते वक्त तो दोनों ने इस एग्रीमेंट पे साइन कर लिया कि भाई अपन इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे, ठीक बीचों बीच रखेंगे, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद दोनों की नियत पे खोट आ जाती है। ये सोचता है कि इसका ये इलेक्ट्रॉन लेके मैं भाग जाऊं, उससे क्या होगा, मेरा तो ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, तेरा हो ना हो मुझे क्या मतलब है, और ये सोचता है इसका इलेक्ट्रॉन लेके मैं भाग जाऊं, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और तेरा कुछ हो ना हो मेरे को क्या मतलब है। तो ये इस तरह से बात आती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागना चाहते हैं, लेकिन अब जब लड़ाई चलेगी दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो उसमें जीतेगा वही ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें पावर होगा वो जीत जाएगा ऑब्वियसली।
तो दोनों में से जो ज्यादा पावरफुल एटम है वो कौन है बेटा? क्लोरीन है ना। कैसे है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मान लीजिए ये क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है और हाइड्रोजन थोड़ा सा वीक है, तो इसका मतलब है इस लड़ाई के अंदर जीतेगा कौन बेटा? क्लोरीन। अब जो जीतेगा वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। अब जब खींचेगा तो ध्यान सुनना, दो बातें होती है। एक तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे ही दे रखने के लिए, तो उसका मतलब है हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा, क्लोरीन पे माइनस। यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रखने के लिए दे नहीं रहा है, बस क्लोरीन पावरफुल था तो उसने लड़ाई में सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने का काम कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी तरह से जाने नहीं दिया। मान लो क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन पकड़ रखे तो क्लोरीन जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा वो, हाइड्रोजन उसके पैरों में पड़ा हुआ, बोले नहीं जाने नहीं दूंगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो बॉन्ड नहीं टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन खींच जरूर लेगा लेकिन हाइड्रोजन भी बॉन्ड में अभी भी इन्वॉल्व रहने वाला है। तो होगा क्या कि इसमें क्योंकि क्लोरीन की ईएन ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना इट गेट्स स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। अब एक बात समझिए, इलेक्ट्रॉन अगर बीच में होता तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता, पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा? नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और आप देखो नेगेटिव चार्ज कहां होना चाहिए था? बीच में। लेकिन क्लोरीन के पावरफुल होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है बेटा? क्लोरीन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अच्छा, जितना चार्ज यहां बीच में होता है तो दोनों पे चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं। अभी चार्ज ज्यादा किसकी तरफ चला गया? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सोचिएगा, हाइड्रोजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था उसके मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया या कम हो गया? कम हो गया। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आता है और किसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो उसपे नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को रखने के लिए दे दिया या पार्शियल शिफ्टिंग हुई बेटा? पार्शियल। इसका मतलब है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम ईएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईएन क्या बताता है? किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का किसी भी एटम का जो पावर होता है उस पावर को क्या, उस टेंडेंसी को क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका टेंडेंसी या जिसका पावर या जिसका ईएन ज्यादा होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और जिसकी टेंडेंसी कम होगी या ईएन कम होगा या पावर कम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आइए, अगर ध्यान से सुनना, टर्म्स को ध्यान से सुनिएगा ना, ये टर्म्स एनसीईआरटी में लिखी हुई होती है तो टर्म्स आ जाती है तो प्रॉब्लम होती है। इस तरह से किसी बॉन्ड में, मैं मॉलिक्यूल का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बॉन्ड बोल रहा हूं, जब किसी बॉन्ड में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, क्या हो जाता है? चार्ज का सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन कहने का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, डायपोल डेवलप हो जाए, दो पोल्स डेवलप हो जाए, तो इसको बोलते हैं चार्ज का क्या हो गया बेटा? सेपरेशन हो गया, मतलब कहीं पर प्लस आ गया कहीं पर माइनस आ गया। जब किसी बॉन्ड में चार्ज का सेपरेशन हो जाए तो ऐसे बॉन्ड्स को पोलर बॉन्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पोलर बॉन्ड। तो यहां पर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा? हो रहा है। चार्ज सेपरेशन हो गया मतलब बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ पोलर बॉन्ड, है ना। मॉलिक्यूल पे बाद में आएंगे, मॉलिक्यूल का पोलैरिटी है या नहीं है वो डायपोल मूवमेंट से डिसाइड करते हैं, अभी मैं सिर्फ बॉन्ड की बात कर रहा हूं क्योंकि मॉलिक्यूल में तो 2, 4, 10 बॉन्ड भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे आपने C2H6 ले लिया है ना, C3H8 ले लिया, तो उसमें तो बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं। अभी मैं सिर्फ बॉन्ड की बात कर रहा हूं, एज अ मॉलिक्यूल हम लोग यहां पर कुछ भी डिसाइड अभी नहीं कर रहे। इधर आइए, अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने एग्रीमेंट पे साइन करके बॉन्ड बनाए थे, बोले इलेक्ट्रॉन को बीचों बीच रखेंगे, बॉन्ड बनने के बाद फिर से नियत में खोटा गई। इस हाइड्रोजन ने सोचा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊं मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन ने सोचा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊं ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। लड़ाई चालू हो गई दोनों में, लात घुसे जूते चप्पल जो भी चल रहे थे चल गए, दोनों ने लड़ लिए। लेकिन क्या यहां पर दोनों का पावर बराबर होगा या अलग अलग होगा? बराबर। जुड़वा भाई है दोनों, है ना, भाई भाई है ना। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत कोशिश करी लेकिन इलेक्ट्रॉन ना तो इधर गया ना उधर गया, ना किसी पे डेल्टा प्लस डेवलप होगा ना किसी पर डेल्टा माइनस डेवलप होगा। इसका मतलब है इस बॉन्ड के अंदर क्या चार्ज सेपरेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर चार्ज सेपरेशन हो जाए तो बॉन्ड कैसा होगा बेटा? पोलर। और अगर चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन पोलर। तो ईएन के अंदर डेफिनेशन तो हम लोगों ने लिख ली लेकिन तीन पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या, जिन दो आइटम की आप बात कर रहे हो उनमें से हो सकता है किसी का ईएन दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो, किसी का ईएन दूसरे के रिस्पेक्ट में कम हो, या दोनों का ईएन बराबर हो। जिसका ईएन ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसिटी खींचेगा तो उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। ध्यान रखिएगा पार्शियल नेगेटिव की बात हो रही है। जो जिसका ईएन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा या ऐसा बोले कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो उस पे क्या आएगा बेटा? पार्शियल पॉजिटिव। और जिनका ईएन बराबर होगा वहां पर ना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा
ना उधर शिफ्ट होगा। तो डेफिनेशन हम लोगों ने लिख ली है, अब कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर आपको लिखा रहा हूं, लिखिएगा वन बाय वन। पहला पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में तो हम लोग ई एन तो लिख ही देते हैं, लेकिन दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, इस तरह से सिंबल आता चाय, काय बोलते हैं वैसे इसको, है ना, अपन लिखते क्या है चाय। तो ये काय सिंबल जो है ये ई एन का रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान सुनिएगा, लेकिन अपन अभी काय नहीं बनाएंगे बार बार, अपन सीधे एक्स लिख देंगे। एक्स ए लिखा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स बी लिखा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिखिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वैसे ओरिजिनल सिंबल जो है वो काय है लेकिन एक्स की तरह ही दिखता, तो अपन एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। चौथा पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जो सारे पॉइंट्स बेटा आपको लिखाए गए हैं इनको वन बाय वन डिस्कस कर दे रहा हूं। पहला जो पॉइंट आ रहा है रिप्रेजेंटेशन का, है ना, ये जो एक्स हम लोगों ने बोला है काय बोला, इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बात यहां पर क्या आ रही है आपको जो लिखाया गया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। ये जो दूसरा वाला पॉइंट है जरा इसको ध्यान से समझेंगे, मीनिंग क्या है इसका। जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड की बात करते थे किसमें, आईई या ईए में, ध्यान सुनना, तो आई का फैक्टर हम लोग क्या पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता, आई बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ईए बढ़ता है। लेकिन वहां पर क्या स्टेबल कॉन्फिगरेशन की वजह से एस टू पी वन पी थ्री पी फोर में एक्सचेंज हुआ करता था, आई में तो ये एक्सचेंज होता था, और ईए में एस वन पी वन और पी टू पी थ्री में एक्सचेंज होता था। इसका मतलब क्या था कि आईई या ईए आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी थी बेटा, और आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल स्पीशीज पे ही डिपेंड करता था, क्योंकि आइसोलेटेड एटम की बात हो रही थी, और इसलिए वहां पर उनकी कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी थी वो उस प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती थी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, मतलब ये दो एटम से मिलकर प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, और इसीलिए यहां पर इंडिविजुअल की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इसीलिए जब आई या ईए का ट्रेंड बनाते थे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आई या ईए बढ़ता था, लेकिन एक्सचेंज भी होते थे, ट्रेंड में कुछ चेंजेस आते थे। जब आप ईएन का ट्रेंड हम लोग बनाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, तो ईएन के ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट जाने पर वही फैक्टर वही होगा, जेड इफेक्टिव ही लगेगा, लेकिन यहां पर कोई एक्सचेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई चेंज या कोई एक्सेप्शन आपको लेफ्ट टू राइट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तीसरी बात आपको बोला गया, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। अब ये रिलेटिव दो तरह की टर्म होती है आप जानते हैं फिजिक्स में, एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म, तो यहां पर ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म इन द सेंस, जैसे वहां पर अभी हम लोगों ने लिखा HCl में कि क्लोरीन का EN क्या है ज्यादा, तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस आया और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस आया। मान लो मैं HCl के बदले CLF क्लोरीन फ्लोराइड बॉन्ड ले लेता, तो बेटा फ्लोरीन का EN हम लोग जानते हैं ना, इतना पता होगा सबको, फ्लोरीन का EN ज्यादा है, तो उस टाइम पर क्लोरीन पे क्या आ जाता है डेल्टा प्लस। मतलब ये जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं इसमें किसी भी एटम का ईएन कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, ईएन वेरिएबल होता बेटा, चेंज होता है। तो ये रिलेटिव टर्म है, किसी के मुकाबले किसी का ईएन ज्यादा हो सकता है और किसी और के मुकाबले किसी का ईएन कम भी हो सकता है, और इवन किसी और को छोड़ो खुद के मुकाबले भी कम ज्यादा होता है। एसपी हाइब्रिड कार्बन, एसपी टू हाइब्रिड कार्बन, एसपी थ्री हाइब्रिड कार्बन। तो जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर चेंज होता है, या जैसे जैसे आप जो बोले हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, तो एस कैरेक्टर या हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के साथ सेम एलिमेंट का ईएन भी वैरी करता है। तो ईएन कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, ईएन इज अ वेरिएबल टर्म, बहुत ध्यान सुनिएगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में लास्ट में दे रखा है, और उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि भैया नाइट्रोजन का ईएन हर कंपाउंड में 3 होता है क्या, और अगर होता है तो क्या है, और नहीं होता है तो क्या है, इस तरह से पूछा है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नाइट्रोजन या किसी भी एलिमेंट का ईएन का वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, EN is a variable term, it is a relative term, दूसरे के aspect में भी relative तो है ही, खुद के aspect में भी relative है, ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा मत समझना, क्योंकि जैसे आप कार्बन की जब बात करते हैं, हम लोग लिखेंगे जब, पर ऑर्गेनिक हो गया इसलिए आपको थोड़ा आइडिया है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो sp हाइब्रिड कार्बन है,
sp2 हाइब्रिड कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन, तो हम जानते हैं कि सबकी en की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, एक 2.5 है तो एक 2.75 है तो एक 3.25 है, तो वैल्यू फिक्स नहीं होते, ऐसा नहीं होगा कि कार्बन है तो 2.5 ही होगा, कार्बन का वैल्यू भी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो पॉइंट आपको लिखाया गया, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नॉन मेजरेबल है, क्या है, नॉन मेजरेबल, दो तरह की क्वांटिटी होती है, मेजरेबल क्वांटिटी और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, मतलब इसका यूनिट डिफाइन नहीं होता, और ये जो स्टेटमेंट है यूनिटलेस क्वांटिटी, एनसीईआरटी या तो टेक्स्ट बुक में या एग्जाम्पलर में कहीं एक में स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखा है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन सब्जी लेने गए तो किलो में ले आए, अरे ले आए ना, हाँ, लेकिन आप ईएन की जब बात करें, ईएन की डेफिनेशन पढ़िए, ईएन की डेफिनेशन में शुरू में लिखा, इट इज अ टेंडेंसी, टेंडेंसी को हिंदी में बोलते प्रवृत्ति, क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति, किसी भी चीज की प्रवृत्ति जो होती है उसको आप नाप नहीं सकते, जैसे मैंने बोला मुझे गुस्सा आता है, हाँ गुस्सा आता है, या तो किसी से ज्यादा आता होगा या किसी से कम आता होगा या किसी के बराबर भी आ सकता है, लेकिन मैं बाजार में जाके नहीं बोल सकता 2 किलो गुस्सा दे दो, आप ये नहीं बोल सकते सर को 10 किलो गुस्सा आता है, 4 किलोमीटर गुस्सा आता है, 5 लीटर गुस्सा आता है, नाप नहीं सकते आप इन चीजों को, ये कंपेरेबल चीजें होती है। किसी ने बोला प्यार आता है, तो किसी से ज्यादा आता है, कम आता है, बराबर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है नाप लिया 2 किलो प्यार दे दो, 5 लीटर प्यार दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, जो आदत होती है, इसका कोई यूनिट नहीं डिफाइन होता, तो ध्यान रखिएगा इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं इस टॉपिक के, और वो सेकेंड पॉइंट क्या है, मैंने आपको बोला कि ईएन एक रिलेटिव टर्म है बेटा, और रिलेटिव टर्म है मतलब ईएन किसी के मुकाबले ज्यादा हो सकता है, जैसे यहां क्लोरीन का ईएन ज्यादा है लेकिन सीएलएफ में क्लोरीन का ईएन कंपैरेटिवली कम होगा, तो एक रिलेटिव बात है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस एटम का ईएन ज्यादा है और किस एटम का ईएन कम है, और कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए इनकी वैल्यूज पहले से प्री डिफाइंड है, उन वैल्यूज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटे जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो पॉलिंग थे, है ना, तो पॉलिंग स्केल एक आती है उससे हम लोग मेनली बात करेंगे, स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे पहला स्केल हमें पढ़ना है वो स्केल है बेटा पॉलिंग स्केल, सबसे पहला स्केल पॉलिंग स्केल, और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्केल भी है क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमको सारा का सारा कॉन्सेप्ट या सारे सारे जो आगे टॉपिक्स है उनको सॉल्व करना है। अब एक बात मैं पहले आपको यहां पर समझा दूं, पॉलिंग स्केल जो है, देखो ये सारी बातें मतलब बनाए गए कॉन्सेप्ट से, ईएन का जो डिस्कवरी किया तो ऐसा कुछ है नहीं, ईएन प्रॉपर्टी दिखाने वाले बताने वाले जो थे साइंटिस्ट वो पॉलिंग थे, तो इनके स्केल को हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, पर ये जो स्केल था या इन्होंने जो भी कैलकुलेशन किया, जैसे हम लोग जानते हैं फ्लोरीन का ईएन हम लोग क्या बोल देते हैं 4 है, किसी का ईएन हम 3 बोल देते हैं, 2 बोल देते, तो जो वैल्यूज आई वो वैल्यूज आई कैसे, हम उसके ऊपर पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं फिर वैल्यूज लिखूंगा मैं। पहली बात, ये जो पॉलिंग स्केल है इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन रेजोनेंस एनर्जी, तो पॉलिंग स्केल इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी। अब इसमें पॉलिंग स्केल के अंदर जब हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉलिंग स्केल में कैलकुलेशन हुआ कैसे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने एक रिलेशन में यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक्स ए माइनस एक्स बी, इसका मतलब है ईएन ऑफ ए माइनस ईएन ऑफ बी, मतलब दो एटम के बीच का ये ईएन डिफरेंस है बेटा, ठीक है। और ये ईएन डिफरेंस के लिए एक 0.208 अंडर रूट ईएबीबी माइनस ईएबी होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा मैंने, पॉलिंग ने एक ये फॉर्मूला लिया और इस फॉर्मूले की मदद से उन्होंने सारे कैलकुलेशन किए बेटा, ना ये सब फॉर्मूला वॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया। अब देखो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं, बट अपने को एक आइडिया लग जाएगा टेंटेटिव कि भाई ये कैलकुलेशन हुआ कैसे, या ये बॉन्ड एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी बोलने का मतलब क्या है, और आगे जब मैं किसी की वैल्यू 3 लिखूंगा या 2.5 लिखूंगा या किसी की वैल्यू किसी से ज्यादा लिखूंगा या कम लिखूंगा तो मुझे बताने में आसान रहेगा कि सारा कारनामा जो मैं यहां कर रहा हूं वो किसका है, इस फॉर्मूले का है, ठीक है। आइए देखेंगे, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2 + F2 gives 2HF, ये एक मॉलिक्यूल लिया बेटा हमने ना।
अब इसमें ये जो H2 है, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए हमने B और B मान लिया, HH के बॉन्ड को BB बॉन्ड मान लिया, और FF बॉन्ड को AA बॉन्ड मान लिया, और HF बॉन्ड को AB बॉन्ड मान लिया। अब हुआ क्या, इस फॉर्मूले के अंदर जो AA की बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू पुट की गई, इस फॉर्मूले में जो BB की बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू पुट की गई, इट वॉज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, और यहां पर जो AB की बॉन्ड एनर्जी है वो पुट की गई। जब ये सब पुट करके इसको सॉल्व किया गया बेटे, तो XA माइनस XB का कुछ वैल्यू यहां से निकल के आया होगा मैथमेटिकल। वो जो वैल्यू निकल के आया हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, वो वैल्यू कितना निकल के आया, 1.9 ऐसा मान लिया अपन ने, ठीक है। अब जब 1.9 आया तो प्रॉब्लम समझिएगा, इतना कैलकुलेशन तो आपने बॉन्ड एनर्जी की मदद से कर लिया, लेकिन दो चीजों का डिफरेंस 1.9 तो इनफाइनाइट तरीकों से आ सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर जानते हो तो यहां आपके पास दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही सॉल्व ही नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं सॉल्व कर सकते। आपके पास दो इक्वेशन होती तो आप सॉल्व कर लेते, लेकिन दो वेरिएबल एक इक्वेशन से कभी सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर मान लो मैं इसको लिख दूं 5.9 और इसको लिख दूं 4 तो भी 1.9 आ जाएगा, मैं इसको लिख दूं 6.9 इसको लिख दूं 5 तो भी यही आ जाएगा, मैं इसको लिख दूं 4-2.1 तो भी यही आ जाएगा। तो ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट केस हो सकते हैं जिससे मैं दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करके ये ला सकता हूं। तो मुझे क्या पता कि भाई ए का ईएन 5.9 है या 6.9 है या 4 है या बी का ईएन क्या, ये हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे पास एक इक्वेशन है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना था पहली बार तो उनको एक वैल्यू दोनों में से अज्यूम करनी थी बेटा, क्योंकि बिना अजम्पशन के आप, अब अगर एक अज्यूम कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली उससे कैलकुलेट होगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक अजम्पशन माना, और वो अजम्पशन माना बेटा किसका, फ्लोरीन का, जिसको हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आजकल बोलते हैं। तो फ्लोरीन का जो अजम्पशन माना उन्होंने, फ्लोरीन का वैल्यू कितना अज्यूम करा बेटा, 4 है ना। अब ये 4 क्यों अज्यूम करा, इसका कोई कारण नहीं है, हो सकता है उनका बर्थडे आता हो सकता है उनके घर में किसी का बर्थडे आता हो, कुछ होगा है ना, तो 4 मान लिया उन्होंने, उनका लक्की नंबर होगा कुछ भी होगा। तो उन्होंने क्या करा, एक्स ए या एक्स बी में से किसी एक को 4 मान लिया, मैंने चलो इसको 4 मान लिया। जब इसको 4 माना और डिफरेंस मेरे पास 1.9 है, तो ये जो दूसरा वैल्यू है ये उसकी मदद से हमने क्या कर लिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से उनके पास फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 आ गया बेटा। जब दो ईएन की वैल्यूज आ गई, अब इसकी मदद से उन्होंने और वैल्यूज कैलकुलेट करी, जैसे अब F2 के बदले यहां Cl2 ले लिया और यहां पर 2HCl ले लिया। हाइड्रोजन का वैल्यू ऑलरेडी पता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, हाइड्रोजन का वैल्यू 2.1 पुट करेंगे, डिफरेंस यहां से निकल के आ जाएगा जो भी आएगा, और उस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट करा। ऐसे ही फ्लोरीन ले लिया तो फ्लोरीन के साथ कुछ और ले लो, जैसे CLF ले लिया, या मैं ऐसा कर दूं कि IF ले ले, तो I2 प्लस F2 गिव्स 2IF। इस तरह से उन्होंने एक की मदद से दूसरा, दूसरे की मदद से तीसरा, ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट करी बेटा। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यूज आई वो तो बॉन्ड एनर्जी की मदद से और अजम्पशन की मदद से उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो वैल्यूज क्या निकल के आई वो अब हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है बेटा, नॉन मेटल्स की, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर जब ईएन की वैल्यूज हम देखेंगे तो मोस्टली जो पी ब्लॉक का जो एरिया है वो कवर हो रहा होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स कहां पर होते हैं बेटा, बालिका सीता गीता के उस साइड, उन्हीं की ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। खैर, हमें 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मैंने आपको पहले भी बोला, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड पे मेनली क्वेश्चन आएगा। डी ब्लॉक का यहाँ पर कुछ ट्रेंड एनसीईआरटी ने दिया नहीं तो वो नहीं पूछेगा, और डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो ग्रुप 17 सबसे ज्यादा काम आएगा। क्यों सबसे ज्यादा काम आएगा, क्योंकि मोस्ट नॉन मेटालिक जो ग्रुप है वो कौन है बेटा, ग्रुप 17। वैसे तो 18 है पर 18 बॉन्ड नहीं बनाते, यहाँ तो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। तो आइए हम लोग उन स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लीना की रब से फरियाद, यहां पर आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैंने बोला सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड तो काम आएगा ही, ट्रेंड बनाने होते हैं लेफ्ट टू राइट, तो इनकी वैल्यू भी एनसीईआरटी मेंशन करता है। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वो स्पीशीज है जिनके ईएन के वैल्यूज हमें पता होने चाहिए। इसमें ग्रुप 1 ज्यादा काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसके वैल्यूज पता होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी इनके वैल्यू मेंशन करता है। ये मेटल्स है, मेटल जनरली आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, कोवेलेंट नहीं बनाएंगे, बट फिर भी इनके वैल्यूज एनसीईआरटी मेंशन करता है तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो फ्लोरीन का जो अज्यूम्ड वैल्यू है वो कितना है बेटा, 4। फ्लोरीन 4 है, एंड आई होप इतना सबको पता होगा कि नियॉन और आर्गन इनर्ट गैस है बेटा, इनर्ट गैस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ईएन जो है ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी बेटा,
और अगर बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है तो जब कोई बॉन्ड बना ही नहीं रहा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालोगे, और जब बॉन्ड एनर्जी नहीं निकालोगे तो कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा। इसीलिए इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या मान लिया जाता है बेटा, जीरो। ठीक है, अब यहां पर जब हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो ये फोर है। इतना सबको पता होना चाहिए, आई होप जिन्होंने पढ़ रखा है, कि सेकंड पीरियड में जब आप इधर से इधर आओगे तो 0.5 से EN कम होता है, फिक्स्ड वैल्यू 0.5 से कम होता है। तो ये 3.5 है बेटा, ये 3 है, ये 2.5 है, ये 2 है, ये 1.5 है और ये 1 है। ये वैल्यूज याद करनी है, इसीलिए इतना डिस्कशन इस पे कर रहे हैं, वरना लिख के छोड़ देता मैं। तो यहां पर 4 इसका अज्यूम्ड वैल्यू है मैंने बोला, और जैसे जैसे आप लेफ्ट में आ रहे हैं तो 0.5 से कम हो रहा है, आप लिथियम का 1 याद कर लें और इधर जाने पर 0.5 से बढ़ा दीजिए, जैसा आपको सही लगे। दूसरी बात, यहां पर इस पूरे ट्रेंड में कुछ ऐसे पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका EN लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट सिमिलर बोला मैंने, इक्वल नहीं बोला, ध्यान रखिएगा। वैल्यू आपको दिखेगी बराबर, लेकिन वो 1 डेसिमल तक बराबर दिखेगी बेटा, उसके आगे 2 या 3 डेसिमल हम रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि NCERT नहीं लिखता, 2 एंड 3 डेसिमल में डिफरेंस आ जाता है। खैर, सबसे पहला जो ट्रेंड आपको बराबर दिखेगा वो होगा हैरी पॉटर। कौन होगा? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर बोल दो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोल दो, PH बोल दो, जैसे याद करना है याद कर लेना, हैरी पॉटर। इन दोनों का EN सेम होगा। अब इन दोनों का EN क्या होगा, आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जब लिथियम से आप सोडियम पे जा रहे हो तो बेटा ये 0.9 है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, 0.9 है। अब यहां से इधर जाने पर, जैसे यहां 0.5 से चेंज हो रहा था, यहां 0.3 से चेंज होगा, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, यहां तक है ना। तो अगर ये 2.1 है तो ये भी 2.1 होगा, हैरी पॉटर का EN सेम है आपके लिए। वैसे अप टू 1 डेसिमल प्लेस बराबर दिख रहा है, लेकिन डेसिमल के आगे जाने पर डिफरेंस आता है, खैर वो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा आपको। इसके बाद आइए सेकंड पे आते हैं, नकल का EN अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। नकल का EN सेम होने का मतलब ये रहा न, ये रहा कल, 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा बेचारे अलादीन का EN अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। अब बेचारा अलादीन ढूंढ रहे तो ये रहा बेचारा, ये रहा अलादीन, क्या ये दोनों डायगनल रिलेशनशिप भी दिखाते हैं? हालांकि ये EN बराबर होने से डायगनल का कोई लेना देना नहीं है ना, पर ये बदने बस एक प्रॉपर्टी देखी हुई है कि ये डायगनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, वरना डायगनल तो लिथियम और मैग्नीशियम भी दिखाते हैं, उनका EN तो बराबर नहीं है। इसके बाद कसाई का EN भी सेम है, ठीक है। कार्बन का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, यहां से सल्फर का EN भी यही हो जाएगा जो कार्बन का EN है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 और ये भी हो जाएगा 2.5, और ब्रोमीन का जो EN है वो कितना आ जाएगा बेटा, 2.8। तो ये वैल्यूज है जो EN की है। इसके बाद देखिए यहां 0.9 आया, ये 0.8, 0.8, 0.7। आपको यहां पर इन दोनों का EN भी सेम दिखेगा, लेकिन इसको मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसकी कोई ज्यादा जरूरत हमें पढ़ने नहीं वाली। मैंने बोला नॉन मेटल्स काम में आएंगे, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। नोट कर ले, ये वैल्यूज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो आपको आनी चाहिए। चले बेटा, है ना, ये जो फर्स्ट वाला केस आपके सामने लिखा है पॉलिंग स्केल का, इसमें जो वैल्यूज होनी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और ये वैल्यूज मैंने आपको बोला पहले भी याद रखना है आपको, क्योंकि वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेंड्स आपको बता दिए गए किसका EN अप्रोक्सीमेटली सेम है या नहीं है, और खासकर ये जो बोरॉन ऑनवर्ड्स ये जो स्पीशीज आपको दिख रहे हैं इनके तो EN के वैल्यू बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि यही काम आएंगे बार बार आपको, ठीक है। खैर, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो कई बार ये वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगी वापस से, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो रहा होना होगा तो इतनी बार में याद हो जाएगा जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, नहीं होगा तो फिर अगली बार फिर से याद करेंगे, ठीक है। मुलिकन स्केल पे आते हैं, सेकंड स्केल पे आते हैं। चलिए, मुलिकन स्केल की यदि हम बात करें तो ये जो स्केल है, मुलिकन स्केल जो है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केल नहीं है, बस इसका नाम NCERT में मेंशन है, इसलिए एक बार इसको देख ले रहे हैं नाम मात्र के लिए। और दूसरा, ये जो फॉर्मूले या रिलेशन विलेशन हम लोग इस पे देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला उसका भी फॉर्मूला नहीं है, इसके भी फॉर्मूले पे ज्यादा कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, बट एक बार फिर भी कंपैरिजन हम यहां पर कर रहे हैं। दोनों में से जो ज्यादा प्रायोरिटी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केल है, फिर से बोल दे रहा हूं, वो कौन सी स्केल है बेटा? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल की जो वैल्यूज है ना, वो याद करना आसान है, क्योंकि ये है ना 4 तक है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब छोटी वैल्यूज है 2, 3, 4, 0.5 ऐसी, तो याद करना आसान होता है। जबकि इसकी मुलिकन स्केल की जो वैल्यूज आती है वो कंपेरेटिवली बड़ी वैल्यूज आती है, और बड़ी वैल्यूज को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और इसीलिए हम लोग प्रायोरिटी देते हैं पॉलिंग स्केल को। आइए मुलिकन स्केल पे बात करते हैं। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मुलिकन स्केल से रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम XM या KM से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां पर आता है इसका फॉर्मूला, जैसे याद करें जो पॉलिंग स्केल है वो किसके ऊपर बेस्ड था बेटा? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी से उसने एक फॉर्मूला डिराइव करा, उससे कैलकुलेशन वैलकुलेशन कर लिया। वैसे मुलिकन ने बॉन्ड एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करा,
उसने एलिमेंट की ही आई और ईए को रिप्रेजेंट करा या उसके मदद से कैलकुलेशन किया। इन्होंने क्या करा, मान लो किसी एलिमेंट ए का ईएन निकालना है बाय मुलिकन स्केल, नॉट बाय पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल से निकालना है, तो उन्होंने ए का ही आई ई लिया, ए का ही ईए लिया और उस आई और ईए का अरिथमेटिक मीन या एवरेज उन्होंने निकाल दिया अपॉन टू करके। वो जो वैल्यू आई उसको उन्होंने उस एलिमेंट का ए का ईएन मान लिया। ऐसे उन्होंने सारे एलिमेंट्स का ईएन निकाला और ईएन निकालने पर क्या हुआ कि जैसे यहां पर उन एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर घट रहा है, जिनकी वैल्यूज बराबर है, सेम वहां पर भी वैसा ही प्रोजेक्ट हुआ विद डिफरेंट वैल्यूज। इसकी वैल्यू अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, बट ट्रेंड जो है वो दोनों जगह सेम आता है, तो इसलिए उसको भी सही मानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली बात ये आती है कि अगर एक ही एलिमेंट का, जैसे फ्लोरीन की बात हो रही है, तो फ्लोरीन का ही वैल्यू अगर मैं पॉलिंग से निकालूं और फ्लोरीन का ही वैल्यू मैं मुलिकन से निकालूं, तो दोनों की आपने सर अभी बोला वैल्यूज डिफरेंट होती है, ट्रेंड सेम होते हैं, तो किसी ना किसी एक की वैल्यू बड़ी होगी और किसी ना किसी एक की वैल्यू छोटी होगी। तो किसकी वैल्यू बड़ी होती है और किसकी वैल्यू छोटी होती है, तो मुलिकन स्केल से जो वैल्यू मिलती है वो पॉलिंग के मुकाबले हमेशा बड़ी मिलेगी। पॉलिंग की वैल्यू 1, 2, 3, 4 बहुत छोटी वैल्यूज होती है, मुलिकन की वैल्यू कंपैरेटिवली बड़ी है। अब अगर मुलिकन की वैल्यू बड़ी है तो कितनी बड़ी है, कितने गुना बड़ी है, 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 200 गुना, तो ये एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि मुलिकन स्केल से मिलने वाली वैल्यू पॉलिंग स्केल के अप्रोक्सीमेटली 3 times होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 गुना बड़ी होती है। पर ये 2.8 वाला फैक्टर कब आएगा, जब आप आईई और ईए का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हो। अगर आपने यूनिट किलो जूल पर मोल में ले ली या किलो कैलोरी पर मोल में ले ली, ये यूनिट किसकी है, आई और ईए की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, गुस्सा आता है, ज्यादा आता है, कम आता है, 5 किलो 10 किलो नहीं आता, बस वो यूनिट लिखनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि आई और ये की यूनिट होती है, उसके टर्म्स में हम बात करें। अगर यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया तो आपको ये 3 गुना लगभग मिलेगा। और इसी से हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि अगर आपको पॉलिंग स्केल की वैल्यू निकालनी है, और पॉलिंग के लिए एक तो बॉन्ड एनर्जी का इस्तेमाल होता है, लेकिन पॉलिंग के लिए अगर देखो आईई और ईए से आप मुलिकन तो निकाल ही लोगे, लेकिन आई और ईए दे दे बाय चांस किसी क्वेश्चन में, ए का एलिमेंट ए है ना, एलिमेंट नहीं देगा, बोलेगा एलिमेंट ए का आई और ईए ये है और मुलिकन से उसका वैल्यू निकाल दो ईएन का, तो आप ये लगा दोगे और बोलेगा आई और ईए ये है और पॉलिंग स्केल की वैल्यू निकाल के बताओ, तो पॉलिंग निकालने के लिए पहले आप क्या निकालोगे, मुलिकन, और मुलिकन निकालोगे तो क्या मुलिकन की मदद से आप ये रिलेशन यूज करके पॉलिंग भी निकाल लोगे। हाँ, और इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले में भी चेंज कर देने, हमने क्या करा, xp इज इक्वल टू xm अपॉन 2.8, और क्या xm का वैल्यू ie प्लस ea अपॉन 2 है या नहीं है बेटा, है, तो xm को मैंने लिखा ie प्लस ea अपॉन 2 और 2 इंटू 2.8 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 5.6। तो ये डायरेक्टली ie और ea यूज करके पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला हो गया, और ये डायरेक्टली आईई और ईए यूज करके मुलिकन स्केल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूले है, ज्यादा कुछ इसका यूज करना नहीं है, बट पता होना चाहिए मार्केट के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन बोल रहा हूं लिखिएगा। डिटरमाइन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन आईई ईए एंड ईएन। Determine the correct relation between IE, EA and EN. ठीक है, यहां पर मैं 4 options लिख रहा हूं। IE को I से रिप्रेजेंट करेंगे, EA को EA से रिप्रेजेंट करेंगे और EN को X से या काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 3rd है ना। ऊपर ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इससे बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन विल बी 3rd। तो ये 2 scales के बारे में हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन किया, एक पॉलिंग स्केल हो गया और एक मुलिकन स्केल हो गया, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर से आपको बोल देना बेटा, स्केल जो काम आएगा मेनली वो कौन सा होगा बेटा, पॉलिंग स्केल है ना, वैल्यूज याद होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड्स के ऊपर आते हैं, फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में चाहे जेड इफेक्टिव रहा हो, चाहे रेडियस रहा हो, आईई रहा हो, ईए रहा हो, हमने 6 टाइप के क्वेश्चंस की बात करी, और उन 6 टाइप के क्वेश्चंस में से जब हम फैक्टर लिखते थे तो शुरू के 4 जो ट्रेंड्स होते थे या 4 टाइप के जो क्वेश्चन होते थे उसको हम फैक्टर में ही लिख लेते थे, और 5वें और 6ठे को हम क्वेश्चन में सॉल्व करते थे। तो आइए अब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन के ऊपर बात कर लेते हैं, और फैक्टर्स वही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन, पहला फैक्टर जो आएगा बेटा वही फैक्टर है, ले देके जेड इफेक्टिव कहां पर यूज करना है बेटा, इन अ पीरियड। और थोड़ा सा रियलाइज करिएगा यहां पर कि अगर हम लोग आईई या ईए की बात करते थे तो याद करिएगा मैं यहां पर कुछ लिखता था,
यहाँ जेड इफेक्टिव लिखता था, सेपरेट एंडो एक्सो लिखता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता था, क्योंकि आई या ए में सिर्फ जेड इफेक्टिव काम नहीं आता था, कॉन्फ़िगरेशन भी काम आता था, और ई ए में तो एंडो और एक्सो का सेपरेशन भी काम आता था। यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, बिकॉज ई एन डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या बेटा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर्ड है और उसको अपनी तरफ खींचने के पावर को ही तो क्या बोलते हैं, ई एन। तो अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है किसी एटम का, मान लो ये एटम ए है, ये एटम बी है, और ए का खींचने का पावर ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो क्या अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा? ज्यादा। जो ज्यादा खींचेगा ऑब्वियसली इसी खींचने के पावर को ही तो क्या बोल रहे हैं बेटा, ई एन। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा वो ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और जिसका पुल पावर ज्यादा होगा उसका ई एन भी ज्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर की तरफ चलते हैं। सेकेंड फैक्टर, हमेशा हम इनर ग्रुप की बात करते हैं और इनर ग्रुप हमारे पास फैक्टर जो है वो शेल नंबर या फिर बोल दें तो एटॉमिक रेडियस है। अब एक बात बहुत क्लियरली समझिएगा, लेफ्ट टू राइट ईएन का जो ट्रेंड है बहुत स्मूथ वेरिएशन दिखाता है, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेफ्ट टू राइट लगातार बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा ग्रुप 18 को छोड़कर, क्योंकि वो तो बॉन्ड बनाते ही नहीं है। डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप ईएन बहुत खतरनाक है, आईई ये कुछ भी नहीं है इसके आगे, डाउन द ग्रुप सो खतरनाक है ना। यहां पर हर ग्रुप का डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन का ऑर्डर अलग होता है, हर ग्रुप का अलग होता है ऑर्डर। किसी में डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे अभी हेलिना की रफ से फरियाद तो दो बराबर हो गए, फिर कम हो गया, उधर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगातार कम हो गया, उसके अलावा कहीं जाओगे तो लगातार बढ़ भी जाता है, कहीं जाओगे तो पहले कम होगा फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, कहीं पर पहले बराबर हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा, कहीं पर पहले बराबर होगा कम होगा फिर बढ़ेगा, मतलब इसके ट्रेंड डाउन द ग्रुप अलग है, बहुत अलग है। हालांकि हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता लेकिन फिर भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ई एन डाउन बहुत डिफरेंट ट्रेंड शो करता है, और वो सारी वैल्यूज वो जो फॉर्मूला यहां लिखा था वहां से लिखी हुई है। अब आते हैं डाउन द ग्रुप की, पर अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो क्योंकि हर ग्रुप का ट्रेंड अलग है तो हमें करना क्या है, हमें डाउन द ग्रुप जाने पर एक जनरल ट्रेंड को अज्यूम करना पड़ेगा, और हम जनरल ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे जब भी करेंगे। तो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे पास जो फैक्टर रहता है वो हमेशा कौन सा रहता है, एटॉमिक रेडियस। टॉप टू बॉटम जाने पर जनरली रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो खींचने का पावर या अट्रैक्शन कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर कम है तो ईएन भी कम होगा। ये जनरल ट्रेंड है लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगह इसके अलावा भी ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, पराइस इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ये याद हो जाना चाहिए, अगर अभी तक ये याद नहीं हुआ है तो अभी साल तो नहीं होगा, साल बदल भी गया है, ध्यान रखना। पिछले साल तक तो जब मैं ये बात बोलता था तो कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं थी, लेकिन अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अब अगले साल याद होगा तो थोड़ा सा घबराना पड़ेगा, क्योंकि तो चैप्टर खत्म हो गया, अभी इसके बाद ये नहीं मिलेगा वापस आपको। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए बेटा, या डिफरेंट स्पीशीज सेम एलिमेंट आ जाए, आपको हमेशा क्या लगाना है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज, और जेड इफेक्टिव और ईएन फर्स्ट वाले फैक्टर में आप देख सकते हैं जेड इफेक्टिव और ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर भी हमने जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। आईई ईए ईएन सब में यही फैक्टर है, बार बार ले दे के यही आ रहे घूम फिर के, अब ये अगर इतनी बार में याद नहीं होंगे तो फिर तो नहीं होना बेटा, फिर याद है ना। बिल्कुल चलिए ना, अब ये रिप्रेजेंटेशंस लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेंड के ऊपर बात करें बेटा। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का मैं ट्रेंड बना दे रहा हूँ, हालांकि वो ट्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैल्यूज लिखी थी 0.5 0.3, पर फिर भी हम लोग अपना काम कर देते हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर देना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जा रहे बेटा,
लेफ्ट टू राइट जाने पर वैसे तो वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन फैक्टर वाइज अगर हम लोग सॉल्व करें, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ईएन भी बढ़ेगा। यहां पर कोई कॉन्फिगरेशन वॉन्फिगरेशन का रोल नहीं आता है, इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इनर्ट गैस को इस ट्रेंड में इंक्लूड नहीं किया जा रहा, बिकॉज इनर्ट गैस डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उनके लिए कैलकुलेशन नहीं हो सकता। थर्ड पीरियड की भी यदि हम बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहां पर भी लेफ्ट टू राइट जाने पर रेगुलरली ईएन बढ़ेगा, ट्रेंड क्योंकि यही बोलता है। अभी भी बाहर कोहरा ही हो रहा है, सर्कल ही नहीं दिखाई दिया, आगे चली गई थी क्या? हाँ, हो जाता है कई बार, समझ नहीं आ रहा कुछ अब आई, क्योंकि जैसे अपन ऐसे नॉर्मली ड्राइव करते तो अपने को क्या है कि जगह पता होती है ना कि यहाँ से ये दिख जाएगी बिल्डिंग तो यहाँ मुड़ जाएंगे, अब जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो फिर कहाँ मुड़ जाएंगे। हाँ है, बिल्कुल कोहरा ही हो रहा है बेटे। अच्छा हाँ, इसीलिए तो बोला आराम से देखो। ओके बेटा, सुबह सुबह तुझे ये वैल्यू लिखा, कितनी बार लिखाऊं ये वैल्यू, अभी तो लिखाया था उसमें पॉलिंग स्केल में भी तो लिखाया था, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखाया था ना, और ये ग्रुप वन भी तो पॉलिंग में लिखाया हुआ है, उस वक्त क्या बोला था, जितनी वैल्यू सामने सब याद होनी चाहिए, है ना, याद करना इनको बेटा, यही काम में आएंगे, मिल लिया ना। अब इसके अलावा दो तीन ग्रुप और लिखा रहा हूँ, बट ये तो याद होने चाहिए, जो वैल्यूज अभी आपके सामने लिखे जा रही है वो वैल्यू के साथ इसीलिए लिख रहा हूँ कि याद होनी चाहिए। चलिए ना, ये फैक्टर्स लिख लिए बेटा सबने, चले एक वो मॉड्यूल नाम की किताब मिली होगी, मॉड्यूल्स कौन बोलते हैं, हाँ मतलब इधर से, इधर से तो कोई नहीं बोलता ना ऐसा, हाँ बस ठीक है। क्या मॉड्यूल्स, चलो आइए यहाँ पर है ना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं आगे। अच्छा मॉड्यूल जो है वो सॉल्व करते रहे ना, मॉड्यूल्स जो है वो सॉल्व करते रहे, हाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, है ना, कल ऑलमोस्ट कल या परसों अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अपन ईएन के बस एप्लीकेशन है तो वो सॉल्व कर लेना, डिस्कशन एक बार कर लेंगे बीच में, ठीक है। चले पीरियोडिक टेबल में, अब देखो आगे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है, दो ग्रुप के ट्रेंड आपके सामने लिखे हैं, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 1। पढ़ा लूं मैं, हो गई बात है, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का ट्रेंड बेटा हम लोगों ने देखा, अब इसके बाद ध्यान सुनेगा, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14, इन दो की वैल्यूज और लिखा रहा हूं मैं। ये वैल्यूज इसलिए लिखाई जा रही है क्योंकि मैंने आपको बोला है एनसीईआरटी में जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक में जब मतलब क्लास 11th वाला जो पार्ट है पी ब्लॉक का, उसमें ग्रुप 13 14 आपको दे रखा है 11th के सिलेबस में, उसका जो टेबल है IEEA वगैरह का जो सब वैल्यूज दे रखता है उसमें EN का वैल्यू ग्रुप 13 और 14 का एनसीईआरटी मेंशन करता है। और दूसरी बात यह है कि ग्रुप 13 के बारे में मैंने जब रेडियस पढ़ाया था तब भी मैंने एक बात बोली थी, ग्रुप 13 हर ट्रेंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है जहां दोनों कॉन्ट्रेक्शन लगते हैं, तो इसका हमने साइज का भी एग्जैक्ट ट्रेंड बनाया था, इसका हमने आईई बॉटल तो एग्जैक्ट ट्रेंड इसके याद होने चाहिए। आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम पे, ध्यान सुनेगा, जब हम इन वैल्यूज पे इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो देखो बोरॉन और एल्यूमिनियम की वैल्यू तो आपको यहां से याद होनी चाहिए, इसका वैल्यू बताइए कितना था, 4, इसका कितना था 3.5, 3, 2.5, 2, बस यही बोरॉन पे रुक जाना है, कोहरा है मतलब यहां थोड़ी कोहरा है कि चले जा रहे हो बस, है ना, ठीक। इसके बाद यहां पर काशी गए संत प्रभु की बात कर रहे हैं, देखो अगर ये 2 है तो कार्बन राइट हैंड साइड आएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सोडियम का जो वैल्यू था, इसका 1 वैल्यू था, इसका 0.9 था, 0.9 के बाद मैंने बोला 0.3 से बढ़ाएंगे तो 1.2, 1.5 और 1.8, तो इसका वैल्यू आ जाता बेटा 1.5 और इसका वैल्यू आ जाता 1.8। ये दो वैल्यूज तो अपने को कम से कम सेकेंड और थर्ड पीरियड के ट्रेंड से ऑलरेडी याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं,
यहां पर क्या हो रहा है, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर EN क्या होना चाहिए बेटा, डिक्रीज होना चाहिए। तो देखो यहां पर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली है कि जनरली ये बात वैलिड है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा क्योंकि हर ग्रुप का EN का ट्रेंड ऑलमोस्ट अलग होता है। और वो ट्रेंड कैसे निकाला गया, वो बॉन्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला है वहां से वैल्यूज जो निकल के उसके बेसिस पे हम बात करते हैं। यहां पर जब वैल्यू देखी गई तो बेटा एक बात बताओ, क्या एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पर आलू गाजर में क्या TC कॉन्ट्रेक्शन लगता है या नहीं लगता है? जब कॉन्ट्रेक्शन लगता है तो कॉन्ट्रेक्शन लगने का कारण जो होता है वो होता है जेड इफेक्टिव का बढ़ना। यहां से यहां जाने पर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता था। जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा वहां वहां जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा, याद करिए IE पे हमने बात करा था कि जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा वहां वहां IE बढ़ जाती थी, वैसे ही EN में भी होगा। EA में कॉन्ट्रेक्शन वाले ग्रुप थे ही नहीं सिलेबस में, हमने ग्रुप 1 पढ़ा था, 16, 17, 18 पढ़ा था, विदाउट कॉन्ट्रेक्शन वाले वैल्यू पढ़े थे, पर ये कॉन्ट्रेक्शन वाले ग्रुप हैं। जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा वहां वहां जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जहां जहां जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वहां वहां IE भी बढ़ा था और वहां वहां EN भी बढ़ेगा। तो यहां पर जो EN का वैल्यू है वो 1 बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, अब बढ़ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहां पर मुझे बताइए डाउन द ग्रुप यहां पर कोई कॉन्ट्रेक्शन है या नहीं है? नहीं है। अगर यहां कॉन्ट्रेक्शन नहीं है तो यहां डाउन द ग्रुप EN कम होना चाहिए था, ऐसा मिला। इसका रीजन क्या? वही फॉर्मूला। अरे वो जो वैल्यू मिली वहां से कैलकुलेटेड, वो वैल्यू लिख रहे हैं अपन, तो वो वैल्यू कितना है? 1.7। फिर बताइए इंडियम थैलियम में क्या कोई कॉन्ट्रेक्शन है या नहीं है? कौन है? LC। जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा वहां वहां EN बढ़ेगा। तो ये तो और ये तो जस्टिफाइड है बेटा कि इनकी वैल्यू जो बढ़ रही है जस्टिफाइड है, लेकिन ये जो बीच में गैलियम और इंडियम में वैल्यू बढ़ रही है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ उस फॉर्मूले से कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। हालांकि याद करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1.5, 1.6, 1.7, 1. लगातार बढ़ रहा है, इस तरह से याद कर लेंगे आराम से। ट्रेंड याद होना चाहिए, इसका ऑर्डर बनाने को बोल दे तो अब ऑर्डर लिख नहीं रहा हूं, पता चल रहा है एल्यूमिनियम सबसे कम, उससे ज्यादा गैलियम, उससे ज्यादा इंडियम, उससे ज्यादा थैलियम, उससे ज्यादा बोरॉन। ठीक है, आइए यहां पर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जहां कॉन्ट्रेक्शन लगेगा वहां पर तो EN बढ़ेगा, लेकिन बाकी जगह डाउन द ग्रुप जाने पर EN कम होना चाहिए। तो बेटा ये 2.5 है, ये 1.8 है, वैल्यूज देख ले आराम से, 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, ये तो जस्टिफाइड है, लेकिन इन तीनों का वैल्यू बराबर मिल रहा है आपको। बराबर क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने 1 decimal प्लेस तक लिया। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, पर अपने को यही मान के चलना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, जब 2-3 decimal प्लेस तक जाएंगे तो किसी ना किसी का वैल्यू ज्यादा या किसी ना किसी का वैल्यू कम होगा, उसमें ये डिक्रीजिंग ट्रेंड ही है, लेकिन NCERT इतना ही लिखता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन के ग्रुप में जब आप बात कर रहे हैं तो 2.5, 1.8, 1.8, 1.8 आपको वैल्यूज मिलेगी, और नीचे क्या मिल रहा है बेटा, 1.9 इसका जस्टिफिकेशन है। तो ये दो ऑर्डर्स जो हैं, ये दो ग्रुप्स जो हैं, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि NCERT में गिवन डेटा है, और ग्रुप 13 के ऊपर तो क्वेश्चन आ चुका है पहले, ग्रुप 13 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या था ध्यान सुनेगा, अभी लिखवाता हूं मैं, इधर ध्यान देना 2 मिनट के लिए। आपको बोला था दो सक्सेसिव एलिमेंट्स, एम्स में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम गैलियम, गैलियम इंडियम, इंडियम थैलियम, और पूछा था कि किस पेयर में EN का गैप सबसे ज्यादा है। अभी तो वैल्यू लिखी है तो दिख रहा है, एग्जाम में जब आया था तो नहीं समझ में आएगा बेटा। जैसे आपको बोल दे पता है तो पता है, वरना आंसर की आने के बाद तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे एक ट्रेंड समझिएगा। अभी ये जो बताया ठीक है, मैंने बता दिया इसमें ऐसा क्वेश्चन है, और अपने को वैल्यू याद होनी चाहिए, कम से कम ये जो 4 ग्रुप्स लिखे इनकी तो वैल्यू आपको याद रखनी ही है, पर एक ट्रेंड निकालते हैं। वो जो क्वेश्चन पूछा सक्सेसिव एलिमेंट्स की जब बात कर रहे हो, इधर देखो फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन एडिन, क्या सबसे ज्यादा गैप इन दोनों में है, फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप, सक्सेसिव देखना है, ऐसे मत देख लेना, ऐसे देख लोगे तो फिर तो कुछ नहीं होता ना, सक्सेसिव मेंबर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो एक ये जनरलाइजेशन हम निकाल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर अगर आप सक्सेसिव मेंबर्स का EN का गैप देख रहे हो तो
जनरली आपको फर्स्ट और सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप में EN का डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको वैल्यू नहीं भी याद है तो कम से कम इस पॉइंट से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। वैल्यूज लिखे, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक लिखिएगा, लिख गया वैल्यू सबने। अब देखो ये ग्रुप 12 आपके सामने लिखा हुआ बेटा, 12 को जरा देख लें, इसको भी एक बार नजर घुमा लें। इस पे मैंने बोला था EN का ट्रेंड हर ग्रुप में अलग होता है। अब देखो पहले वो जो ग्रुप 17 और ग्रुप 1 लिखे हुए हैं उनमें तो डिक्रीज हो रहा है, यहां पर 13-14 में कुछ भी हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बराबर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ग्रुप 12 में आप देखें लगातार नीचे जाने पर बढ़ रहा है। हालांकि इस ग्रुप 12 की वैल्यू NCERT मेंशन नहीं करता है, ये बस आपको मार्केट के हिसाब से बता दिया। ZNCD HG में जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं EN बढ़ रहा है। कैडमियम मर्करी का रीजन हमें पता है, कॉन्ट्रेक्शन होगा, EN बढ़ जाएगा जेड इफेक्टिव बढ़ने से, पर जिंक और कैडमियम का जो ट्रेंड है वो अगेन से जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के बेसिस पे लिखा गया है। याद हो जाए कर लेना, ना हो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ZNCD HG लिख लीजिए बस कॉपी में। मैंने आपको पहले बोला एक्सेप्शन हर टॉपिक के बाद में आएगा, लेकिन एट लास्ट में आपको 10-12 ही एक्सेप्शन ऐसे होंगे जिनमें बोलूंगा कि याद होने चाहिए, और अभी मैंने एक शायद आपको बोल दिया, LI+ और MG2+ का साइज का ऑर्डर बोला था मैंने याद करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते, लिख लिया ये सबने, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ EN, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ EN, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ EN। ऑप्शन लिखेंगे, पहला ऑप्शन कार्बन सिलिकन, पहला ऑप्शन कार्बन सिलिकन, दूसरा ऑप्शन सिलिकन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकन, सिलिकन जर्मेनियम, जर्मेनियम SN एंड SNPB। बहुत बढ़िया, कितने समझदार बच्चे, आंसर पता हो तो बताना, कितना आसान होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, कार्बन एंड सिलिकन। रीजन आपको बता दिया, वैसे तो वैल्यू आपके सामने, पर आप चाहे तो ये लिख भी लेना कि ग्रुप के फर्स्ट और सेकेंड मेंबर में जो EN का डिफरेंस होता है वो सक्सेसिव वाले मेंबर्स के केस में मैक्सिमम मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर हम लोगों ने इसके फैक्टर्स या ट्रेंड्स के ऊपर डिस्कशन किया बेटा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। अगला जो केस आता है याद करिए, थर्ड और फोर्थ टाइप का जो कैटेगरी आता है क्वेश्चन का, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, उस तरह के ट्रेंड्स पे चल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं लिखिएगा, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर, चलिए है ना। अब ये नोट करें बेटा, ये तीन केसेस आपके सामने लिखे हैं और इन तीनों केसेस में आपको EN का ऑर्डर बनाना है। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि ये सब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का कैटेगरी है बेटा, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज देखना ही पड़ेगा यहां पर, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप सबको निकालना आता ही है इनमें। SbF3 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आ रहा है बेटा +3, यहां पर आ रहा है +5, XgF2, XgF4, XgF6, यहां पर MnO में +2 है, MnO2 में +4 है। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो EN भी ज्यादा, ये ट्रेंड बन जाएगी। ऐसे ही अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कोई केस दे दे और उसमें पूछे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जेड इफेक्टिव लगेगा, बट ऐसे इंडिविजुअल स्पीशीज जनरली पूछा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि हम लोग EN जनरली कंपाउंड्स के लिए बात करते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसे इंडिविजुअली Na+ या F- ऐसे लिख के नहीं देगा, बट दे दे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं सेम पैटर्न में। आगे बढ़ते हैं अब इसमें अगले पॉइंट की तरफ, ध्यान सुनेगा, लिख लिया ये सबने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। चले अभी तक हम लोगों ने देखो फैक्टर्स जब लिखे तो हमने तीन फैक्टर्स लिखे थे, पहला लिखा था जेड इफेक्टिव, दूसरा लिखा था एटॉमिक रेडियस, तीसरा लिखा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक ले जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब एक और फैक्टर आता है, वो आता है बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो EN की डिपेंडेंसी परसेंटेज एस कैरेक्टर पे कैसी होती है, तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक में आपने कई बार इसको यूज कर भी लिया होगा कि EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैरेक्टर। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। परसेंटेज इस कैरेक्टर और EN में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। बेटा एक बात समझिए, अगर कहीं पर S कैरेक्टर बढ़ रहा है, SPDF में से S कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो S न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, और अगर S का कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ रही है।
अगर न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ रही है, इसका मतलब है न्यूक्लियस का लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचने के पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ईएन। इसका मतलब है अल्टीमेटली एस कैरेक्टर बढ़ने से जेड इफेक्टिव या अट्रैक्शन का पावर बढ़ता है, जिसका मतलब है ईएन भी बढ़ता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग वही जो आपको ऑर्गेनिक में काम आते हैं बार बार, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा मेनली। ये बात ध्यान रखिएगा, पढ़ हम कार्बन के बारे में रहे हैं, लेकिन ये बात हर एटम के लिए वैलिड है, सिर्फ कार्बन के लिए नहीं है, ये नाइट्रोजन के लिए भी है, वन जंप रूल वगैरह बताया होगा सर ने, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एल्केन की अगर मैं बात करूं तो यहां हम जानते हैं कार्बन कार्बन का कैसा बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है, C2H6 मान के चलेंगे इसको। एल्कीन की बात करें तो यहां पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है बेटा, और एल्काइन की बात करें तो आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी ये जो वैलेंसीज मैंने खाली छोड़ी इनको आप हाइड्रोजन ट्रीट करके चल रहे हैं, ठीक है। एक बार बताइए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और फिर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करेंगे। क्या आपको यहां पर सबसे पहले इतना पता है कि एल्केन में हम लोग क्या बोलते हैं कि sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है, यहां पर sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है और यहां पर sp हाइब्रिड कार्बन होता है। अब अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो इसमें एस कैरेक्टर 25% होता है। अब ये 25% कैसे निकलता है, तो आप देखें टोटल एक एस का डब्बा है और तीन पी के डब्बे, टोटल डब्बे चार, चार में से एस का कैरेक्टर निकाला, एस कितना एक, तो एस कैरेक्टर अपॉन टोटल, टोटल 4 × 100 परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, गिवन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, गिवन एस अपॉन टोटल ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल टोटल ऑर्बिटल इंटू 100। यहां पर टोटल डब्बे तीन है और उनमें से एक ऐसे तो 33.3%, और यहां पर दो है, दो में से एक ऐसे तो 50%, हाफ कैरेक्टर जो आएगा इस कैरेक्टर आ जाएगा। इसके बाद यहां पर ईएन पे बात कर रहे हैं, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है बेटा उसका ईएन होता है 2.5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कसाई लिखा था, कसाई में कार्बन सल्फर आयोडीन इन तीनों का ईएन बराबर था। आप देखो कसाई में कार्बन का ईएन क्या लिखा, 2.5। ये जो अपन जो भी ये ईएन लिख रहे ना, ये सब सैचुरेटेड एलिमेंट्स या सैचुरेटेड एटम का मतलब, ये हम सिंगल बॉन्डेड निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, सिंगल। अब जैसे ही ये कार्बन यहां पर सिंगल बॉन्डेड है बेटा, sp3 हाइब्रिड है, अब जैसे ही अपन यहां और यहां जाएंगे तो कार्बन ने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अब मुझे बताओ ये जो सारा कैलकुलेशन है क्या ये बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बेस्ड है या नहीं है बेटा, है। तो मुझे बताओ कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, डबल बॉन्ड की एनर्जी और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी चेंज होती है या नहीं होती, होती है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी चेंज हो रही तो जब उस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू डालोगे, इसकी वैल्यू डालोगे, इसकी वैल्यू डालोगे, तो अंदर जो रिजल्ट आएगा वो भी तो अलग आएगा, और इसीलिए जब उससे वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो इसका वैल्यू निकल के आया बेटा 2.75 और इसका वैल्यू निकल के आता है 3.25। तो अपने को यहां पर वैल्यू भी दिख रहा है, तो इससे हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे ईएन बढ़ रहा है, ये हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, और यही रिलेशन हमने वहां लिखा, और इसको मैंने वैल्यू के अलावा वैसे भी आपको बता दिया कि एस कैरेक्टर बढ़ने से न्यूक्लियस का क्लोजनेस बढ़ेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, मतलब ईएन भी उतना ज्यादा। तो नोट करें इसे, यहां पर ध्यान देंगे दो मिनट लिए। यहां पर अभी हम लोगों ने फैक्टर्स और जो ट्रेंड्स हो सकते थे उसके ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ ईएन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग मूव कर रहे हैं, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसके लास्ट में आएगी, मतलब जो 7th, 8th, 9th नंबर पे हम लोग पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम लोग एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस रहेंगे। बट वहां तक पहुंचने के पहले कुछ और एप्लीकेशन है जो हमें पढ़ना जरूरी है, जिसमें से जो फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा ये बहुत काम की एप्लीकेशन है, देखने में बहुत हल्की फुल्की एप्लीकेशन लगती है, लेकिन जब आप वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें इसी का रोल आएगा, ठीक है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यहां पर हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है AB टाइप का, और इसमें से मान लिया इसका EN ज्यादा है और मान लिया इसका EN कम है, और अब हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि किसके EN की वैल्यू क्या होती है, तो हम उससे जज कर लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे। यहां पर कुछ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिसका EN ज्यादा, क्या वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या जाने देगा, बेटा खींचेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जिसका EN कम है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या जाने देगा, जाने देगा, उस पे क्या आएगा बेटा, पार्शियल फोर्स।
इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है और इलेक्ट्रॉन जाने देने की प्रॉपर्टी मेटल की होती है। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। सिक्स क्लास से पढ़ते आ रही है, ठीक है, सिक्स में पढ़ते पहली बार याद हो तो नहीं रही, पता नहीं। अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जिसका ईएन कम है, आपको सोचिए जिसका ईएन कम है वो इलेक्ट्रॉन लेगा या जाने देगा? जाने देगा। इलेक्ट्रॉन जाने देने की लूज करने की टेंडेंसी किसकी होती है? मेटल की। तो जिसका ईएन कम है वो मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा बेटा, और जिसका ईएन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेना की कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा मतलब उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। और इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, और अगर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। ये पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी है नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इस तरह से हम लोग बात करें नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यहां पर सपोज आपके सामने दो कंपाउंड लिखे गए, पहले इसके एग्जांपल के मदद से इसको समझते हैं। आईसीएल और OF2 होता क्या है, अपन ने H2O लिखा, अपन बोल देते हैं वाटर, क्या बोल देते हैं वाटर, है ना। जैसे इसको क्या बोलते हैं अल्मोनियम, है ना, अल्मोनियम बोलते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है, ध्यान सुनना, यहां पर जब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो दो पॉइंट आ रहा है। वैसे ये जो हम लोग नेमिंग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग यूज नहीं करते मेनली, ठीक है, अपने सिलेबस में अपन यूज नहीं करते, डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक्चुअल नेमिंग के हिसाब से नाम क्या होना चाहिए तो अपने आइडिया तो होना चाहिए कम से कम कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो जब भी कोई कंपाउंड बना है उसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम को हमेशा कहां रखा जाएगा बेटा, प्रीफिक्स में, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का नाम हमेशा कहां लिखा जाएगा, सफिक्स में। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का नाम प्रीफिक्स में लिखा जाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का नाम सफिक्स में लिखा जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? NaCl क्या लिखते हो, सोडियम क्लोराइड, पहले किसका नाम है कैटायन का, पहले किसका नाम है कैटायन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे वहां भी यही रूल है, पहले केटायन का नाम लिखते बाद में एनायन का, जिसका ईएन कम है तो ये केटायन बना रहा होगा या इस पे पॉजिटिव आ रहा होगा, पहले नाम केटायन का बाद में नाम। तो जिसका ईएन कम उसका नाम प्रीफिक्स में आएगा, जिसका ईएन ज्यादा उसका नाम सफिक्स में आएगा। दूसरी बात ये, नाम प्रीफिक्स और सफिक्स में आएगा लिखते वक्त कैसा भी दे सकता है, लड़ने मतलब जाना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं इसको भी पहले ही लिखना होता है ईना चौलवे, ये ऐसा भी दे सकता है, ये ऐसा भी दे सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अपने को ईएन के हिसाब से नाम देना, जिसका ईएन कम है उसका नाम पहले लिखना है, भले सिंबल लिखते वक्त रिप्रेजेंट करते वक्त आप किसी को भी पहले लिख दो बाद में लिख दो वो जस्टिफाइड है। यहां पर देखिए आईसीएल की बात कर रहा हूं, ये आईसीएल आपको एग्जाम में ऐसे भी लिख के दे दे लड़ने मत लग जाना, हाँ बहुत बढ़िया, अगले साल यही मिलेगी बेटे आउट ऑफ सिलेबस। आईसीएल की बात करें, दोनों में से आयोडीन का ईएन कम है और क्लोरीन का ईएन ज्यादा है, तो नाम इसका पहले लिखना है, नाम उसका बाद में लिखना, बाकी रिप्रेजेंट करते वक्त एग्जाम में उसको पहले उसको बाद में दिया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, आयोडीन, और जो सफिक्स में आ रहा है उसके साथ आइड लगाना बेटा, क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड। यहां पर आइए, ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखना दोनों तरीके से सही है, लेकिन नेमिंग जब कर रहे हो तो पहले नाम उसका आएगा जिसका ईएन कम है, तो ईएन कम किसका बेटा, ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन कितने, दो, तो डाई फ्लोराइड लिखा जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है ना OF2, इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है जनरली। देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन से कंबाइन करवाते हैं तो बोलते हैं कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, तो देखने में ही ऐसा लगेगा कि फ्लोरीन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑक्साइड नहीं है, ये फ्लोराइड है, और इसमें से क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से मोर रिएक्टिव फ्लोरीन होता है तो उसके रिस्पेक्ट में नेमिंग की जाती है। बट ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये जो नॉमेनक्लेचर है अपन ज्यादा यूज करते नहीं है, ये बस ऐसे ही टेंटेटिव है कि कभी आ जाए कि एक्चुअल नेम क्या होते हैं तो पता होना चाहिए कि इस तरह से कुछ नेमिंग की जाती है। हाँ नहीं होता, और जब अपन ऐसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसा इसलिए होता है कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवेलेंट में डाई ट्राई टेट्रा होता है, जब आप BCl2 बोल रहे हो
वो मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है, मेटल नॉन मेटल होना आयनिक होता, वो भी कोवेलेंट है, बट उसमें पोलराइजेशन की वजह से होता है, उसका एक्चुअल नेचर आयनिक होना चाहिए, जैसे NaCl, AlCl3 है। तो आप एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोलेंगे, भले एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर डाई इसलिए लिखा क्योंकि ये प्योर कोवेलेंट कंपाउंड है, प्योर कोवेलेंट कंपाउंड में जब कोई दो बार आ रहा है, तीन बार आता है, तो उसके साथ प्रीफिक्स आपको लिखना पड़ेगा, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया, हेडिंग डाल लेना, है नहीं इसमें द क्वेश्चन, बाकी डिस्कशन कल करेंगे।